हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए आज देखेंगे हम लोग स्नातक जो शिक्षक चयन परीक्षा है उसमें का व्याख्यात्मक हल प्रश्न, और ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप ये जो है नया एडिशंस आते जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो देवधर सभी को पता है, देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ये अभ्यास सभी को पता है आपको, थॉर्नडाइक के जो है इन्होंने किया था सबसे पहले। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये लंबी कूद से है, इस पिछले जो है आपका सॉल्व पेपर में आपको बताया था, और ये सॉल्व पेपर है दोस्तों, मस्त आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उसको आप लोग तुरंत करंट अफेयर में देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैराथन दौड़ की दूरी सभी को पता है 42.195 है ना, और इसके बारे में भी पिछले अध्याय में पूरे सॉल्व पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए 6th क्वेश्चन है आपका, खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये अभी करंट का नहीं है, ये बहुत पुराना है, 2009-10 का है समथिंग, ये 2009 का, तो ये 2009 का होगा या 9 या 10 का, तो इसको छोड़ दीजिए है ना। ये पहले फड़के गोपाल पुरुषोत्तम था, ये 2009-10 का जो है, आई थिंक इसके नीचे में इसका उत्तर तो दे दिया है यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी का करंट का देख लीजिएगा है ना, कौन था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? तो हॉकी मैच की खेल अवधि पहले 70 मिनट हुआ करता था, इसको कई बार बता चुका हूँ मेरे अन्य वीडियोस में, अभी ये 60 हो गया है और ये 4 हाफ में होता है, ठीक है, 15 चौक 60, 15 मिनट के 4 हाफ में होते हैं। तो ये पहले 2 हाफ होता था 35-35 के, अभी चेंज हुआ है उसको तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणवायु कौन है? तो इसमें प्राणवायु आपका जो है ऑक्सीजन को कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑक्सीजन CO2 को प्राणवायु कहा जाता है, और आयतन से वायु में लगभग 20-29% मात्रा जो है ऑक्सीजन की होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और ये स्रोत आपका लुसेंट सामान्य ज्ञान से देख लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, मस्तिष्क के जो है सतह में होती है, और स्फिग्मोमाइट ऐसे कुछ बोन के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का पाल जो है स्केनॉइड हड्डी, यह है स्केनॉइड है, और हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है, और इसको है सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है, बहुत कम हल्का होता है, मतलब छोटी है, सबसे छोटी ग्लैंड भी कहते हैं इसको है ना, और लेकिन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसी को, और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, और लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से भी पूछेंगे तो यही है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े हिस्सा है जो किसका हिस्सा है? ये आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्च का अच्छा स्रोत है, तो इसका स्रोत है आपका स्टार्च गेहूं में सबसे ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, और पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना, 1500, यानी कि दो आंसर सही हो जाएगा, 1500 मिलीलीटर, यानी आपका 15 लीटर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन का वृक्क नलिका में रुधिर से छन कर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को जो है मूत्र यूरिन कहते हैं, और मनुष्य का जो है मूत्र हल्के पीले रंग का द्रव होता है, एक सामान्य 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1500 मिलीलीटर, यहाँ पर सॉरी मैं 15 लीटर बोल लगा था, 1.5 लीटर यानी कि 1500 मिलीलीटर मूत्र बनता है।
धमनियां रक्त ले जाती है, तो धमनियां क्या रक्त ले जाती है, इसमें से आपका हृदय से लेके जाती है, ठीक है। तो जो रुधिर वाहिनियां जो है हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें धमनियां कहते हैं, और इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन ऑक्सीजनित रक्त बहता है। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग कितना होता है, प्रौढ़ का थोड़ा से ये 320 से नहीं होगा, ये 260 से 300 ग्राम, लेकिन आपका एक एथलीट है, अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका 350 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देंगे। 320 अधिकतम होता है करके कई बुक में दिया है ना, लेकिन ये 350 और जो है ग्राम तक भी हो जाता है। एकदम बहुत अच्छे एथलीट्स हैं तो उसका और अधिक होने का चांसेस रहता है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। उदाहरण जो है, लाल रक्त कणिकाएं संपूर्ण जो है रुधिराणु का 90% होती है, और ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन यानी साई का गठन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, पढ़े होंगे। इसको देख लीजिएगा, थ्योरी थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं। जनवरी 1984 में भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एवं पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया सॉरी की थी। तत्पश्चात 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कर दिया गया था। जो LN जो है ना, लक्ष्मीबाई आपका 1957 का जो चालू हुआ था ग्वालियर का, उसको विलय कर दिया गया था इसमें, ठीक है। इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण के 6 क्षेत्रीय केंद्र, अभी वो 6 से अभी शायद तक फिर से कट के 4 हो गए थे, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। भारतीय उड़न सिख का नाम क्या है, तो ये सभी जानते हैं, मिल्खा सिंह, कई बार आ चुका है ये। 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है आपका, आधा स्ट्राइकर दिया जाता है, ठीक है, आधा स्ट्राइकर निकालने के जानते ही हैं सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो ये कहाँ होंगे आपका, नई दिल्ली में हुआ है, हो चुका है, और ये पुराना क्वेश्चन है, 2009 का ही है आई थिंक, मेरे ख्याल से इसीलिए 2010 का पूछा है। 2009 का ये आपका मॉडल जो सॉरी सॉल्ड पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला भाला का वजन होता है, महिला भाला जो है 600 ग्राम होता है, पुरुष का 800 ग्राम होता है। शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है, तो अच्छा जो है ऋतु आपका बसंत ऋतु को माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम होता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है, तो ये आपका हाँ, प्रदूषण तो सीवर का जो पानी आता है उससे जल प्रदूषण होने का ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि गंदा पानी नदियों में जाकर मिल जाता है ना। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खेलने के लिए तो सिर्फ 6 प्लेयर्स होते हैं प्ले इन में, लेकिन टोटल 12 होते हैं, तो इसमें टोटल वगैरह का नहीं दिया है, देखते हैं उत्तर में क्या दिया है। तो यहाँ उत्तर में सिर्फ 6 दिया है, यानी कि प्ले इन को देना है। तो यहाँ पर एक चीज समझने का है आपको, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि वॉलीबॉल टीम में, तो यहाँ पर दोनों ऐसे ही क्वेश्चन आपको करता है, ठीक है, डिलीट किया जाता है बहुत अगर आता है तो, जैसे कि इसमें आप दावा आपत्ति लगाएंगे तो दोनों आंसर सही होगा, तो दो आंसर आ रहा है मतलब इसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना, जो भी संस्था ने एग्जाम लिया है। तो चलिए देखते हैं, बाकी इसका 6 आंसर देना आपके लिए सही होगा, क्योंकि प्ले इन इसमें अगर टोटल खिलाड़ी अगर पूछते तो 12 लगाते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आप प्ले इन में कितने होते हैं उसको लिख दीजिए, ये आप दिमाग लगाइए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका 12 खिलाड़ी इसमें भी होते हैं, ठीक है, 9 प्लेइंग में होते हैं, और जो है क्या बोलते हैं, देखिए इसमें इसमें क्या बोला है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें 12 दिया है, लेकिन इसमें 9 देना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आपको 7, 8, 10 और 12 दिया है, तो इसमें ऑप्शन 9 होता तो 9 को लगाते हैं, 9 नहीं है, इस स्थिति में इसको 12 को लगाए हैं, ठीक है, ऐसा है। अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 को ही लगाना था, और टोटल खिलाड़ी बोलते तो 12 ही लगाते। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्रोक और जो है पेनाल्टी किक में फुटबॉल होता है, स्ट्रोक में हॉकी होता है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा हॉकी, और इसको देख लीजिएगा ये आपका फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू नेक्स्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखें। प्लीज़ लाइक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।